एक सेठ जी थे, गोदाम में चूहों से परेशान थे तो बिल्ली पाल ली, फिर बिल्ली से भी परेशान हुए तो कुत्ता पाल लिया, फिर कुत्ते से परेशान हो गए तो सोचा शेर ही पाल लेता हूँ। फिर क्या हुआ, शेर सबको खा गया, सेठ जी को भी खा गया। जो हेडलाइन मैनिपुलेशन या हेडलाइन मैनेजमेंट के व्यापार में हैं, उन्हें यह कहानी से कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ खबरों की सुर्खियां बदल देने से सवाल खत्म नहीं हो जाते, सवाल बढ़ जाते हैं। चीन को क्लीन चिट क्यों दी, ये सवाल भले आपने सुर्खियों से गायब कर दिया हो, लोगों के जहन में है। अदानी पर आप जेपीसी क्यों नहीं बनाते, यह सवाल आप मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू, हेडलाइन मैनेजमेंट के थ्रू हटा देते हैं, लेकिन लोग इस सवाल को बार बार पूछ रहे हैं। 20,000 करोड़ शेल कंपनीज में किसका है, कहां से आया, यह सवाल भी है। आपने कोशिश की कुछ और हेडलाइन बनाने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। अब सतपाल मलिक जी ने कुछ सवाल उठाए। पुलवामा पर जिम्मेदारी जब लेने की बात आई, लापरवाही की बात जब आई, तो आपने सतपाल मलिक जो कि गवर्नर थे, उनको चुप रहने को क्यों कहा, क्यों कहा कि चुप रहिए, तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। अब आप कितनी ही हेडलाइन मैनेजमेंट कर लीजिए, सवाल फिर भी आ जाएगा कि यूपी में गैंग वॉर क्यों हो रहा है। आप सोचिए कि आप जो नई हेडलाइन बनाते हैं ना, उसमें भी एक सवाल आ जाता है आपके खिलाफ। सोचकर जवाब देने की आदत डालिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।